हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगोकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर वेसू एंड लाल दरवाजा। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज में। जैसे हमारी जो सीरीज चल रही थी कि आईवीएफ के दौरान क्या क्या 7 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है बिफोर स्टार्टिंग द IVF साइकिल, ड्यूरिंग द IVF साइकिल एंड आफ्टर द एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। और मैंने बताया था कि हम एक स्पेशल टॉपिक लेंगे कि डाइट, खाने पीने में आपको क्या ध्यान रखना है, क्या परहेज रखना है, इसके रिगार्डिंग विस्तारित रूप से यह वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। जैसे ही IVF ट्रीटमेंट का ऑप्शन दिया जाता है, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों में उनके दिमाग में यह क्वेश्चन रहता है कि मैम खाने पीने में क्या परहेज रखें। सो आज पहले मैं बताने वाली हूँ कि खाने पीने में परहेज रखना क्यों ज़रूरी है, क्या परहेज रखना है, यानी कि क्या आप खा सकते हो और क्या आपको अवॉइड करना है, या तो कौन सी चीज़ें आपको नहीं खानी है। सो पहले बात करते हैं कि जैसे मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि जैसे ही आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसेस कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको कुछ मेडिसिन दी जाती है जिसे हम सपोर्टिव मेडिसिन बोलते हैं, यानी कि प्रोजेस्टेरोन थेरेपी, ईस्ट्रोजिन वगैरह दिया जाता है। सो बेसिकली प्रोजेस्टेरोन जो है वह प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी हार्मोन है और इससे आपके पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि प्रोजेस्टेरोन जो है यह हार्मोन का एक साइड इफ़ेक्ट है कि आपके जो इंटेस्टाइन है उसका जो मूवमेंट है, यानी कि पेरिस्टल्सिस मूवमेंट्स जो है उसको कम कर देता है और उसकी वजह से आपको इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, या तो पेट एकदम फुगा फुगा लगता है, पेट भारी भारी लगता है, खाने की इच्छा नहीं होती है, ऐसे सब प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसीलिए खाने पीने में परहेज रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको यह मेडिसिन लेना बहुत ही आवश्यक है। सो उसके सामने उसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स है उसको कंट्रोल करने के लिए, या तो आपको यह साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो उसके लिए आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वह मैं बताती हूँ। फ्रेंड्स, अभी आपको बताने वाली हूँ कि आपको जो मील प्लान है आपका रूटीनली जो होता है कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेते हैं, आफ्टरनून में लंच होता है और रात को डिनर होता है। सो जनरली लोगों का 3 मील प्लान होता है। तो आपका अगर IVF ट्रीटमेंट हुआ है या तो आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रोसेस हो चुकी है, तो आपको ध्यान रखना है कि 7 मील प्लान फॉलो करना है। 7 मील प्लान का मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप सुबह में उठते हो, ब्रश वगैरह होता है, उसके बाद आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकते हो। उसके बाद जैसे आपका 8 से 9 के बीच में आपका जो रूटीन ब्रेकफास्ट है वह आप ले सकते हो। आफ्टर दैट 11 बजे के करीबन आप एक आधा फ्रूट, सीजनल फ्रूट ले सकते हो। उसके बाद बिटवीन 1 to 2 जो आपका लंच टाइम है उसमें आप रोटी, सब्जी, दाल, चावल वगैरह सब रूटीन खाना जो है वो आप ले सकते हो। इवनिंग में अराउंड 4 to 5 के बीच का जो समय है वहाँ पर आप चाय है उसके साथ नाश्ता वगैरह ले सकते हो, मखानाज ले सकते हो जो विच इज़ रिच इन प्रोटीन, सो यह आपके लिए हेल्पफुल होगा। और आपका जो डिनर का समय है बिटवीन 7 to 8 आपका डिनर ले ले। और उसके बाद जो 7 मील है, 7th मील दैट इज़ द लास्ट मील, कि आप एक वॉर्म बादाम मिल्क ले सकते हो या तो इवन टर्मरिक मिल्क आप ले सकते हो। और उसके बाद एटलीस्ट 1/2 आवर के बाद आपको सोना है। तो अगर आप ये 7 मील प्लान फॉलो करेंगे और पूरे दिन में मिनिमम आपको 10 से 12 ग्लास पानी पीना है, बिकॉज़ हाइड्रेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सो
आपका अगर फूड इनटेक में 7 मील प्लान है, हाइड्रेशन प्रॉपर है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन और पेट फूगा हुआ लगने की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी है, यानी कि क्या परहेज रखना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको जो भी ऑयली फूड है, फ्राइड है या तो तली हुई जो चीज़ें हैं जैसे पूरी वगैरह है, वो आपको हैवी होता है डाइजेशन होने के लिए। दूसरा है कि जो फर्मेंटेड चीज़ें हैं जैसे इडली है, डोसा है, ऐसी जो चीज़ें हैं, ढोकला वगैरह है, तो यह चीज़ भी आपको डाइजेशन के लिए हैवी होता है और इसकी वजह से आपको इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ बढ़ सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि मैदा, यानी कि जो ब्रेड है, पिज़्ज़ा ब्रेड है, वड़ा पाव के ब्रेड है, यह जो चीज़ें हैं जो मैदे से बनी हुई है, और मैदा जो है वह बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है डाइजेशन होने के लिए, सो ऐसी सब चीज़ आपको अवॉइड करनी है। दूसरा जो अवॉइड करना है कि जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, यह भी अवॉइड करना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बाहर का जो खाना है, जैसे फीमेल्स में पानी पूरी मोस्ट ऑफ द टाइम फेवरेट होता है उनका, सो बाहर का पानी पूरी है, गन्ने का जूस है, होटलों का जो खाना है जिसमें गरम मसाला वगैरह ज़्यादा पड़ता है, सॉल्ट का प्रमाण भी बहुत ज़्यादा रहता है जो बाहर का खाना है उसमें, तो इसकी वजह से भी आपको ब्लोटिंग है, वाटर रिटेंशन है, ऐसी सब समस्याएँ आ सकती हैं। तो फ्रेंड्स, स्पेसिफिकली जो मैंने अभी बताया यह चीज़ आपको अवॉइड करना है। और काफ़ी लोगों के माइंड में रहता है कि जैसे फ्रूट्स है कि पपैया और पाइनएप्पल, सो जनरली पपैया जो है उसको गर्म माना जाता है, सो इट इज़ बेटर अगर आपके घर में ऐसा मानते हैं कि पपैया और पाइनएप्पल गर्म माना जाता है और उसकी वजह से अबॉर्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं, तो फ्रेंड्स इट इज़ बेटर कि आप यह दो फ्रूट्स ना खाएं। अब आपको खाने में क्या ज़्यादा लेना है जिसकी वजह से आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम ना आए और आपको रिज़ल्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाए, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वह है प्रोटीन, क्योंकि हाई प्रोटीन डाइट अगर आप लेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और आपको प्रेगनेंसी में भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाई प्रोटीन डाइट जो वेजिटेरियन फूड लेते हैं उनके लिए दाल है, जैसे मूंग है, मठ है, चना, सोयाबीन, राजमा, यह सब दाल आप ले सकते हो, दाल एंड पल्सेस इसका सेवन आप ज़्यादा करें, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो है, पनीर है, यह सब चीज़ें आप ले सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप मिनिमम 3 to 4 एग्स अगर खाते हो तो इसमें से आपको काफ़ी अच्छा प्रोटीन मिल सकता है। आप नॉन वेजिटेरियन फूड जैसे चिकन वगैरह है वह भी ले सकते हो, चिकन और फिश, लेकिन ध्यान इतना ही रखना है कि उसके लिए जो ग्रेवी रहती है जिसमें गरम मसाला वगैरह रहता है वह आपको अवॉइड करना है। दूसरा है कि हाइड्रेशन, आपके बॉडी में मिनिमम एटलीस्ट आपको 10 से 12 ग्लास पानी लेना है, अगर अंदाजे 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर आपके शरीर में जाना चाहिए। आप फ्रूट जूसेस वगैरह ले सकते हो, अगर आपको प्लेन वाटर पसंद नहीं आता है तो आप नींबू शरबत ले सकते हो, कोकोनट वाटर ले सकते हो, ऐसे सब ऑप्शंस ले सकते हैं। तीसरा है बहुत ही इम्पोर्टेंट कि जो भी सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल हैं और स्पेसिफिकली जो खट्टे फ्रूट्स हैं, यानी कि लेमन है, मौसम्बी है, ऑरेंजेस है, कीवी फ्रूट है, यह जो फ्रूट्स हैं जो खट्टे होते हैं उसमें से विटामिन सी मिलता है, और विटामिन सी जो है इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, सो बेसिकली आपका जो इम्यूनिटी पावर है वह भी बढ़ सकता है और आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा कि आपको नट्स वगैरह जो है, ड्राई फ्रूट्स है, एलमंड्स है, अखरोट है, इवन डेट्स वगैरह, खजूर वगैरह आप ले सकते हो, पिस्ता, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स जो है दे आर रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इज़ ऑल्सो बेटर फॉर योर डाइजेशन ऑल्सो एंड फॉर योर रिजल्ट ऑल्सो। और पाँचवीं बात जो मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि आपको जो सप्लीमेंटेशन दिया गया है, जो भी मेडिसिन दिए गए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फॉलिक एसिड है, मल्टीविटामिन्स है, ईस्ट्रोजिन है, प्रोजेस्ट्रॉन है, और जो भी मेडिसिन है, विटामिन सी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, तो यह सारे मेडिसिन आपको रेगुलर और टाइम टू टाइम लेना है। सो फ्रेंड्स,
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके कोई भी क्वेरीज है, IVF रिलेटेड है या तो डाइट रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है आपके माइंड में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही आपके जो क्वेरीज है उसके आंसर हम दे पाए। और अंत में मैं यह मैसेज देना चाहती हूँ कि डाइट जो है इसमें कोई बड़ा ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। आपने अगर ध्यान रखा कि आपका एक हेल्दी बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए, आपका जो डाइट है उसमें जंक फूड जो है उसको माइनस करना है, जंक फूड का सेवन नहीं करना है, हाई प्रोटीन डाइट लेना है, हाइड्रेशन प्रॉपर रखना है, इन बिटवीन अगर आपको भूख लगती है तो आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह का सेवन कर सकते हो। एंड इट इज़ आई थिंक इट इज़ वेरी ईजी टू फॉलो दिस डाइट। सो थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।